हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो बिना पैरों के जो पैरों के निशान हैं वो कैसे हैं। तो क्या कोई इंसान इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब होता है कि जो दिखे ना, क्या कोई इंसान इनविजिबल हो सकता है। ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसने खुद को इनविजिबल कर लिया था, और क्या उसने अपनी जो डिस्कवरी थी, अपनी खोज थी, उसका यूज़ किया अच्छे से या फिर उसका मिसयूज़ किया, ये इसमें हम देखेंगे। दो बॉयज जो हैं स्टार्टेड इन सरप्राइज, तो मतलब एक तरह से स्टार्टल्ड हो गए वो, जैसे कि होता है ना भौचक्का सा हो जाना, तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गए जब उन्होंने देखा कि मड मतलब मिट्टी के जो इम्प्रिंट्स है, एक तरह से प्रिंट से बने हुए थे ज़मीन पर मिट्टी के, जैसे नंगे पाँव में कोई चल रहा हो, मगर वहाँ पर कोई भी पैर नहीं थे। मतलब पैरों के निशान तो दिख रहे थे बट कोई भी पैर नहीं दिख रहे थे। व्हाट अ बेयर फुटेड, बेयर फुटेड का मतलब होता है जिस पैर में चप्पलें वगैरह ना हो, नंगे पाँव जो होते हैं, नंगे पाँव कोई इंसान चल रहा था। और वो स्टेप्स जो हैं, मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन अ मिडल ऑफ लंडन, एंड वेयर वॉज द मैन। तो मतलब लंडन के बीचों बीच एक और इंसान है जिसके मतलब पाँव के निशान हमें दिख रहे हैं मगर पाँव नहीं दिख रहे हैं, और ऐसा इंसान यहाँ पर कर क्या रहा है। एज दे गेज्ड, एज मतलब उन्होंने जितना और आगे देखा, एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेंट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। मतलब उन्होंने गेज का मतलब होता है एकदम से ध्यान से देखना है, फिर आंखें खोल के देखना। तो उनको दिखा कि फुटप्रिंट्स तो हैं, पैरों के निशान हैं, बट फिर से पैर नहीं है। नए नए पैरों के निशान बनते जा रहे हैं बट पैर कहीं भी नहीं दिख रहे, कोई इंसान नहीं दिख रहा। फर्दर जो फुटप्रिंट्स थे फॉलोड, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इम्प्रिंट्स बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। फिर वही बच्चों ने क्या करा, उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। फॉलो करते रहे फिर वो जो फुटप्रिंट्स थे वो फेंट होते गए, फेंट का मतलब है हल्के धुंधले होते गए, और फिर एट लास्ट वो कहीं भी नहीं दिख रहे थे। एक्सप्लेनेशन जो थी इस मिस्ट्री की वो काफ़ी सिंपल थी, ये थी जिसने बॉयज़ को बिवाइल्डर कर दिया। बिवाइल्डर का मतलब होता है पजल कर दिया, मतलब कंफ्यूज कर दिया। ये कौन था जिसके फुटप्रिंट्स थे, ये था एक साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, उसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट जैसे कि एक ग्लास होता है ना, ग्लास के आप आर पार देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि कुछ भी ना हो बट वो सॉलिड होता है। तो इसी तरीके से जो ग्रिफिन था, ये ग्रिफिन साइंटिस्ट का नाम था, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, इसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए ये प्रूव करने के लिए कि जो ह्यूमन बॉडी है ना उसको इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, तो उसने क्या किया, कुछ ड्रग्स होते हैं उनको स्वॉलो कर लिया, निगल लिया, एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज शीट ऑफ ग्लास दो इट रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। तो मतलब वो ट्रांसपेरेंट हो गई, हमें दिख नहीं पाएगी बट वो ऐसी होगी कि हम उसे पकड़ सकते हैं, छुएंगे तो हमें फील हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ है बट कुछ दिखेगा नहीं। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, काफ़ी ब्रिलियंट था, काफ़ी होशियार साइंटिस्ट था ग्रिफिन, वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, बट वो पर्सन लॉलेस था, कानून को नहीं मानता था। हिज लैंडलॉर्ड जो था, उसका मकान मालिक, उसको बिल्कुल नापसंद करता था और ट्राई टू इजेक्ट है, मतलब उसको ग्रिफिन को घर से बाहर निकालना चाहता था। तो रिवेंज में मतलब बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, अब कोई उसे देखे ना इसके लिए उसको अपने कपड़े उतारने पड़े, क्योंकि एक ऐसा इंसान तो नहीं दिख रहा है बट कपड़े तो दिखते, तो उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। दस इट वॉज दैट ही बिकम अ होमलेस वॉन्डरर, और फिर तभी ये होमलेस वॉन्डरर मतलब एक घुमंतू इंसान बन गया जिसका कोई घर नहीं था, विदाउट क्लोथ्स, कपड़े भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, और वो इनविजिबल था, किसी को दिखता भी नहीं था। Until he happened to step in some mud, और फिर उसके पैर जो है किसी मिट्टी पे पड़ गए, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और मिट्टी पे पैर पड़ गए तो फुटप्रिंट्स जो है उसके दिख रहे थे जब वो चल रहा था। तो उसने जो वो बच्चे उसको एस्केप मतलब उसका पीछा कर रहे थे उससे, तो वो एस्केप कर गया, मतलब बच के आराम से निकल गया, जो बच्चे उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, बट उसके जो एडवेंचर्स थे ना इधर उधर भटकने के और लोगों से बचने के, ये पूरे नहीं हुए थे। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स, तो उसने काफ़ी ख़राब समय लंडन में बिना कपड़ों के घूमने के लिए चुन लिया था, क्योंकि ये मिड विंटर था, सर्दियों का मौसम था, बहुत ही बिटरली कोल्ड, बहुत ही भयंकर ठंड वहाँ पड़ रही थी। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो
बिना क्लोज के तो काम उसका नहीं चल सकता था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वॉर्म्थ. अब उसको लगा कि कहाँ सड़कों पर भटकता रहेगा, तो एक कोई बड़ा सा स्टोर था उसमें वो चला गया. क्लोजिंग टाइम आ गया. एज सून एज जैसे ही डोर बंद हुए, ग्रिफिन जो है वो खुद को मतलब कपड़े उसने आराम से वो पहन लिए और वो खाना वाना भी उसने खा लिया विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. मतलब कोई पैसे भी नहीं लगते क्योंकि अब स्टोर में कोई था नहीं, तो उस स्टोर में से उसने कपड़े भी पहन लिए, खाना वगैरह भी खा लिया. उसने काफ़ी सारे बॉक्सेस खोले एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स. तो रैपर वगैरह हटा के सब कुछ उसने खुद गर्म कपड़े पहन लिए. सून विद शूज़, अब उसके पास शूज़ थे, ओवर मतलब कोट था और हैट थी. ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड एंड इनविजिबल, मतलब फुली ड्रेस हो गया और विजिबल मतलब कि कोई पर्सन है ये दिखने अब लगा था. इन किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट की किचन में ही फाउंड उसको मीट मिल गया और कॉफ़ी मिल गई. एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. फिर ग्रोसरी स्टोर से वो वाइन ले आया, स्वीट्स ले आया, खूब अच्छा सा उसने अपना खाना पीना कर लिया. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. तो क्विल्ट्स होती है ना, जो आप समझ लीजिए कि जैसे रजाई की काफ़ी सारी लेयर्स थी, उसमें वो आराम से सो गया. इफ़ ओनली ग्रिफिन है, अब सब कुछ सही हो जाता अगर जो ग्रिफिन है वो सही टाइम पर उठ जाता. बट अब जब वो तब उसकी नींद खुली जब जो असिस्टेंट थे ना स्टोर के वो सारे के सारे आ गए. अब उन्होंने देखा कि ये सब क्या हुआ है. व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, जब ग्रिफिन ने उनमें से कुछ को देखा कि वो आ रहे हैं, वो पैनिक हो गया काफ़ी ज़्यादा और वो वहाँ से भागने लगा. नेचुरली ही गेव अ चेस, इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप. मतलब अब वो भागा तो उसके पीछे भी लोग भागे. देखिए जैसे कि ये भाग रहा है ना, एक इंसान जिसके सिर्फ कपड़े दिख रहे हैं, इंसान नहीं दिख रहा, तो इस लोग इसके पीछे भाग रहे हैं. तो वो तभी बच पाया जब उसने अपने सारे के सारे कपड़े जो हैं फिर से उतार के फेंक दिए. तो न्यूली फाउंड क्लोज जो उसको मिले थे उसने फिर से उतार के फेंक दिए. वंस मोर वो इनविजिबल हो गया बट नेकेड, नंगा हो गया, उसके पास कपड़े नहीं थे. और टाइम क्या था, जनवरी का टाइम था, बहुत ही ठंड का. फिर दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ थिएटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स. तो फिर अब उसने ये सोचा कि वो किसी थिएटरिकल कंपनी, मतलब जो जहाँ पे वो होते हैं ना मुखौटे वगैरह भी मिल जा होते हैं जहाँ पर, और जहाँ पर सारे कपड़े होते हैं, तो इस तरीके की वो थिएटर में गया तो कि ताकि उसके कपड़े तो वो पहन लेता था बट उसकी बॉडी तो ट्रांसपेरेंट थी, बॉडी तो दिखती नहीं थी, तो उसके अपने सर के ऊपर भी रखने के लिए उसे कुछ मिल जाएगा. इस उम्मीद से वो ऐसे में गया. तो वो काफ़ी ज़्यादा शिवर कर रहा था, शिवरिंग मतलब कांप रहा था ठंड की वजह से. ही हरी टू ड्रूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. तो ड्रूरी लेन में वो गया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थिएटर्स होते थे. ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप, उसको सही शॉप मिल गई. ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैजेस राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट. तो उसने मतलब पूरे अपने नोज भी लगा ली, पूरा फेस था उसने अपना बना करके लगा लिया, बट बहुत ही अजीब वो दिख रहा था. तो निकलने के लिए बिना किसी कोई उसे देखे ही कॉलेसली अटैक द शॉपकीपर. एकदम से क्या किया उसने, बहुत ही ख़राब तरीके से विदाउट केयरिंग. कैलेसली का मतलब होता है बिना केयर किए उसने शॉपकीपर पे अटैक किया पीछे से. आफ्टर विच उसने क्या करा, उसकी मनी भी चुरा ली, पैसे चुरा लिए और वहाँ से भाग गया. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग वेयर ही बुक टू रूम्स एट द लोकल इन. तो वही लंदन में परेशान हो रहा था, भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी, छुपना वुपना मुश्किल हो जाता था. तो उसने सोचा कि एक विलेज ऑफ इपिंग, एक गांव में चला जाए, फिर वहाँ पर उसने जा करके इन होटल टाइप के होते हैं धर्मशाला टाइप से, उसमें अब उसने दो कमरे बुक कर दिए. अब ये जो अराइवल था ना, ये जो स्ट्रेंजर एक अजनबी सा इंसान इतनी सर्दियों में वहाँ पर आया था, काफ़ी अनयूजुअल इवेंट थी, बहुत ही अजीब सी चीज़ थी वहाँ के लोगों के लिए भी. स्ट्रेंजर काफ़ी अजीब सी अपीयरेंस ही अजीब सा दिख रहा था और सेट इन ऑल टंग्स वेगिंग, मतलब सारे के सारे लोग आसपास के टंग्स वेगिंग का मतलब है लोग गॉसिपिंग करना लोगों ने शुरू कर दिया, इधर उधर की बातें बनाना शुरू कर दिया. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो लैंडलॉर्ड जिसके वहाँ रह रहा था उसकी वाइफ का नाम मिसेस हॉल था, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, मतलब हर तरीके से उन्होंने अच्छा व्यवहार ग्रिफिन के साथ करने की कोशिश की. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर
ठीक है, कोई मतलब ग्रिफिन का तो मतलब मन ही नहीं करता था किसी से बात करने का, और कह दिया ग्रिफिन ने, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉल्टीट्यूड, मेरा मैं इपिंग इसलिए आया हूँ ताकि मैं सॉल्टीट्यूड का मतलब है आराम से शांति से मैं यहाँ पर रह सकूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, बिसाइड एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस, तो मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं है कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे और ये जो मेरा फेस है ये एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो गया है। सेटिस्फाइड विद हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, फिर उसको सेटिस्फाई हो गई कि इसेंट्रिक अजीब सा स्ट्रेंज होता है इसका मतलब, उसका जो गेस्ट है वो एक स्ट्रेंज सा साइंटिस्ट है, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिया है, तो मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, तो उसकी अजीब सी हैबिट्स को उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, और इरिटेबल टेम्पर मतलब गुस्सेल जो आदत थी ना उसकी, उसको भी इग्नोर करना उन्होंने शुरू कर दिया। बट ही स्टोल इन द मनी, जो उन्होंने ये इपिंग जो थे ग्रिफिन जो साइंटिस्ट थे, ये बहुत दिनों तक जो इन्होंने पैसा चुराया था वो बहुत दिनों तक तो चलने वाला था नहीं, अब इन्होंने सोचा कि कोई और रेडी कैश कहाँ से उनको और पैसा मिल जाए। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक, तो मतलब पैसा ख़त्म हो गया था तो वो लैंडलॉर्ड पैसा उनसे मांगने लगे थे, तो कहने लगा कि एक उनका चेक मतलब मेरे पास चेकअप आने वाला है, जैसे ही मेरा चेक आ जाएगा तभी मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। इसके बाद ही एक अजीब सा एपिसोड हुआ, मतलब पहले तो उसने मना कर दिया ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड को कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, जैसे ही पैसा आएगा मेरे पास, चेक आने वाला है मेरे पास और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस एपिसोड के होने के बाद क्यूरियस मतलब इस अजीब सी चीज़ हुई, क्या हुआ, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन, मतलब सुबह सुबह क्लर्जीमैन जो चर्च में लोग होते हैं, एंड उनकी वाइफ जो है अवेकेंड बाय नॉइजेस इन द स्टडी, उनके स्टडी रूम जहाँ पर सारी किताबें और सामान वगैरह रखा रहता था, तो वहाँ पर अजीब सी आवाज़ें आई, तो क्लर्जीमैन और उनकी वाइफ इसकी वजह से जग गई। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बींग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, तो मतलब उन्होंने एक आवाज़ सुनी कि चिंक, हाई पिच्ड रिंगिंग साउंड, चिंक का मतलब होता है काफ़ी तेज सी आवाज़ सुनी पैसे के निकालने की उनकी डेस्क में से, क्लर्जीमैन ने उनकी वाइफ ने, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, तो पोकर मतलब एक होता है औजार टाइप का, वो गए बिना किसी आवाज़ करे, धीरे धीरे गए और एक हाथ में औजार टाइप का था, और बोलने लगे कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो कि मतलब अपना जो भी तुम कर रहे हो वो छोड़ दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, फिर उन्होंने देखा कि रूम में तो कोई भी नहीं है, रूम तो खाली है। ही एंड हिज वाइफ जो है उन्होंने डेस्क के अंदर देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, चिमनी पर भी देखा, बट कोई भी वहाँ पर नहीं था। येट जो डेस्क थी वो ओपन थी और हाउस कीपिंग की जो मनी थी, घर के कामकाज के लिए जो पैसा रखा गया था वो गायब हो चुका था। एक्स्ट्रॉर्डनरी अफेयर, बहुत ही अजीब सी चीज़ थी। क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन क्लर्जीमैन यही कहते रहे कि ये सब हुआ क्या, कैसे हुआ, कुछ समझ तो आया नहीं। बट इट वॉज नॉट As extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning, उस morning के ही थोड़े से मतलब इस जब ये incident हो गया clergyman के साथ, उसके बाद अगली सुबह मतलब उसी सुबह थोड़ी देर बाद एक बहुत ही अजीब सा incident जो है वो landlord lady के साथ भी हुआ, and सब लोग इससे भी काफ़ी ज़्यादा surprise हो गए। क्या हुआ कि landlord की wife जो थी ना वो very early and was surprised to see scientist door wide open, कि scientist जो है उसका कमरा काफ़ी कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल खुला पड़ा है, usually वो बंद रहता है और lock रहता है, तो वो furious हो गए मतलब, and he was furious if anyone entered his room, कि उन्हें लगा कि कहीं कोई और तो उनके उस साइंटिस्ट के कमरे में नहीं है। अपॉर्चुनिटी, तो उनको लगा कि ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और देखा जाए कि क्या उन साइंटिस्ट के रूम में चल रहा है। पीप्ड अराउंड द डोर, पीप्ड मतलब झांक करके देखा और देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो सोचा इन्वेस्टिगेशन हो जाए। बेड क्लोथ्स जो थे मतलब जो बिस्तर था वो ठंडा था, इसका मतलब साइंटिस्ट जो है वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर नहीं था। अजीब सी बात ये थी जो कपड़े वो पहनता है, बैजेस जो लगाता है, वो सारे के सारे रूम में ऐसे ही पड़े हुए थे। ऑल ऑफ सडन जो मिसेज हॉल थी उन्होंने एक स्निफ क्लोज टू द ईयर, मतलब कुछ अजीब सी जैसे कुछ आवाज़ सुनी। मोमेंट लेटर उसके बाद जो हैट थी ना वो बेडपोर्ट से ऊपर उठी और एक तरह से उनके फेस पर आकर के लग गई। देन बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, बेडरूम की जो चेयर थी वो भी ऐसा लगा जैसे हिलने लगी, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, इट चार्ज्ड स्ट्रेट
at her, legs foremost. As she and her husband turned away in the terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. फिर वो चेयर उनके मुंह तक पहुंच गई और आगे आगे बड़ी 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 और फिर एकदम से उनको रूम से बाहर निकाल दिया और डोर बंद हो गया. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन द हिस्टेरिक्स. तो मतलब मिसेस हॉल जो थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल जो है इतनी जो प्रॉब्लम्स ही इस जो पूरा मूवमेंट देखा है इसके वजह से वो उससे नीचे ही गिर जाएंगी अपने स्टेयर से. तो हिस्टेरिक्स का मतलब होता है वाइडली इमोशनल रिएक्शन, मतलब अजीब से रिएक्शन की वजह से वो नीचे ही गिर जाएंगी. शी वॉज कन्विंस दैट रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर. तो उनको लगा कि ये जो स्ट्रेंजर है इसके वजह से उनके जो है फर्नीचर में भूत आ गया है. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. तो मतलब जो मेरी माँ इस पर बैठा करती थी और ये चेयर अब मेरे पे ही आके एक तरह से मुझे ही इसने मार दिया है. फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट. तो नेबर्स को लगा ये विच क्राफ्ट कोई जादूगर टाइप्स वाली चीज़ है, वो सब ये कर की जा रही है किसी जादूगर के द्वारा या किसी जादू के द्वारा. बट विच क्राफ्ट और नॉट, वेन द न्यूज़ ऑफ द बर्गरी एट द क्लर्जीमैन्स हाउस बिकेम नोन, बर्गरी मतलब जो चोरी हुई है, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट. तो ये सब विच क्राफ्ट इतनी अजीब अजीब सी इवेंट हो रही थी, पहले इस कुर्सी ने मार दिया, फिर क्लर्जीमैन के घर चोरी हो गई, तो इस सबसे लगा कि यार ये जो एक अजीब सा साइंटिस्ट आया है कहीं इसने तो ये सब कुछ नहीं किया है. सस्पिशन मतलब शक बढ़ता गया कि इतना बढ़ गया कि वेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश. तो एकदम से कैश भी पे कर दिया, रेंट भी पे कर दिया, तो पहले तो था नहीं, फिर एकदम से कहाँ से आ गया. तो सस्पिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा उसके खिलाफ, जबकि पहले उसने एडमिट कर लिया था उसके पास कोई पैसा नहीं है, फिर कहाँ से पैसा आ गया, और क्लर्जीमैन के वहाँ पर चोरी भी हुई है, तो ये सब हो क्या रहा है. तो विलेज के कांस्टेबल को सीक्रेटली बुलाया गया. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट. तो कांस्टेबल को भी बुलाया गया और उसके वेट किए बिना ही मिसेस हॉल जो है साइंटिस्ट के पास चली गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम. अब पहले उन्होंने देखा था कि बेडरूम में कोई नहीं था, दरवाज़ा बंद हो गया था, बट एकदम से वो साइंटिस्ट कहीं से आ गया बेडरूम में, ये कैसे हो गया भाई. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. And I want to know how it is you came out of empty room and how you entered a locked room. तो उसने बोला कि भाई तुमने मेरी चेयर के साथ क्या किया है और तुम कहाँ से मतलब एक बंद कमरे में तुम आ गए, जहाँ से कमरा बंद था तुम किस तरीके से उस कमरे में पहुँच गए. ये सारे के सारे जो जवाब हैं तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे. साइंटिस्ट जो है क्विक टेम्पर्ड था, उसको गुस्सा आ गया. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब चिड़ सी लग गई. यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, वो चिल्लाने लगा. वेरी वेल, ठीक है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन हूँ. सडनली उसने अपने जो बैंडेजेस हैं, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स और अपनी नाक भी उसने सारी फेंक दी. इट टुक हिम एक मिनट उसे लगा ये करने में. लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए. इन द बार फाउंड देमसेल्फ्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, और फिर आसपास काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे तो देखा कि भाई एक हेडलेस मैन बिना सिर का आदमी मतलब किस तरीके से था वहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा सब डर गए थे. मिस्टर जेफर्स कांस्टेबल अब आ चुका था और वो भी सरप्राइज हो गए थे कि एक बिना सर वाले आदमी को वो कैसे अरेस्ट करें. जेफर्स वो बट हेडलेस मैन तो था, बट जेफर्स जो था, जेफर्स कौन था, कांस्टेबल था. जेफर्स को अपनी ड्यूटी करने से रोक पाना काफ़ी मुश्किल था. अगर मजिस्ट्रेट वारंट को ऑर्डर कर देता है ना कि पर्सन को अरेस्ट करना है, तो पर्सन को अरेस्ट करना ही है, चाहे वो हेड हो उस सर का, उस पर्सन के मतलब उसके बॉडी पे सर हो या ना हो, बट वो अरेस्ट तो होगा ही. देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, फिर एक बहुत ही अजीब सा सीन हुआ. पुलिस मैन ने ट्राई किया कि वो उस आदमी को पकड़ पाए, जो आदमी और ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था. उसने अपने सारे कपड़े इधर उधर फेंक दिए. फाइनली उसने देखा कि शर्ट जो है वो हवा में उड़ रही है. कांस्टेबल को मतलब बड़ी दिक्कत हुई, स्ट्रगल कर रहा था कि ऐसे इंसान को कैसे पकड़े जो दिखता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है. लोगों ने ट्राई किया हेल्प करने का, बट हर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि कहीं से भी आकर कहीं से लपाड़ पड़ रहा है और कहीं से उनके कोई लात मार रहा है, कोई मतलब समझ ही नहीं आ रहा है कि हाथ पैर जो पटके जा रहे हैं, किसी के चाटा तो किसी के घूसा, ये सब आ कहाँ से रहा है. इन द एंड जेफर्स नॉक्ड अनकॉन्शियस, जेफर्स जो था फिर वो बेहोश हो गया और लास्ट अटेम्प्ट उसने ट्राई किया कि वो पकड़ पाए अनसीन साइंटिस्ट को, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा. देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, होल्ड हिम, एकदम से लोग चिल्ला रहे थे पकड़ो उसे पकड़ो, बट ईजी
कहना था बट करना बहुत इसको मुश्किल था, क्योंकि भाई वो दिख ही नहीं रहा था, जो दिख ही नहीं रहा उसको कैसे पकड़ा जाए। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने खुद को सबसे छुड़वा लिया था, एंड नो वन न्यू वेयर द वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, सबसे मतलब छुड़वा लिया उसने और किसी को समझ ही नहीं आया था कि भाई इस इंसान को पकड़े तो कैसे पकड़े, जो दिख ही नहीं रहा वो कैसे पकड़ा जाएगा। तो यही थी हमारी इसकी स्टोरी, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, और आप देख रहे हैं इसको किस पे, लर्न अभी पे, ये याद रखिए ठीक है, क्योंकि कई बार कुछ लोग कुछ अजीब हरकतें करते हैं, कई और चैनल्स पे डाल देते हैं, तो अगर आपको ऐसा कुछ मिले लर्न अभी के अलावा तो आप ज़रूर बताइएगा, और वहाँ मत देखिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। तो इसलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसको शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।